गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुमार कुशवाहा। गाइज, आज के इस वीडियो में हम प्रेडिकेट पार्ट का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट और उसके भाग के बारे में अध्ययन कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग प्रेडिकेट और उसके भिन्न भिन्न जो पार्ट्स हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं सेंटेंस के, पहली बात तो प्रेडिकेट की डिफिनेशन महत्वपूर्ण है। डिफिनेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे कि प्रेडिकेट पार्ट कौन सा है? तो सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए वाक्य में, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जा रहा हो उसी को हम लोग प्रेडिकेट या उसी भाग को प्रेडिकेट का हिस्सा कहते हैं। प्रेडिकेट में केवल वर्ब भी हो सकता है तथा वर्ब के साथ अन्य शब्द, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को, उसमें केवल वर्ब भी हो सकता है और साथ में वर्ब के अलावा उसमें ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं बॉयज़ रन, लड़के दौड़ते हैं। यहाँ देखिए बॉयज़ कौन दौड़ते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे हम लोग। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम लोग सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, हु, कौन या किसने का क्वेश्चन पूछने पर जो भी हमको आंसर प्राप्त होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर भी हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे, क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, द बॉयज़ रन, लड़के दौड़ते हैं, कौन दौड़ते हैं, लड़के। तो यहाँ पर द बॉयज़ सब्जेक्ट हो गया, जो बच रहा है वो प्रेडिकेट हो गया। तो हमने डिफिनीशन क्या जानी प्रेडिकेट की, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। देखिए दौड़ता है, कौन दौड़ता है, बॉयज़ दौड़ते हैं। तो यहाँ पर दौड़ना जो है वो सब्जेक्ट के विषय में इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर रन प्रेडिकेट है और द बॉयज़ सब्जेक्ट है, अर्थात द बॉयज़ सब्जेक्ट है और रन प्रेडिकेट। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, कौन भौंकता है, कुत्ता, डॉग। तो डॉग यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और बचा हुआ शेष पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया। देखिए यहाँ पर बार्क भी क्या है, सब्जेक्ट के विषय में बता रहा है ना, भौंक रहा है, सब्जेक्ट कौन है, डॉग भौंक रहा है ना, कुत्ता भौंक रहा है। तो डॉग यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और बार्क्स यहाँ पर प्रेडिकेट हो गया। उसी प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल में है द गर्ल इज़ गोइंग टू आगरा, लड़की आगरा जा रही है, कौन, द गर्ल, लड़की, ये सब्जेक्ट हो गया, इज़ गोइंग टू आगरा, ये प्रेडिकेट हो गया। देखिए यहाँ पर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है और साथ में आगरा कॉम्प्लीमेंट भी इसमें दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से तो हम जान गए इसमें कि द गर्ल यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इज़ गोइंग टू आगरा प्रेडिकेट हो गया। एग्जाम्पल नंबर फोर देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फोर कहता है ही रीड्स द बुक्स, वह किताबें पढ़ता है, कौन, वह, ही सब्जेक्ट हो गया, रीड्स द बुक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। उसी प्रकार से फाइव एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फाइव है दिस इज़ द बुक, यह पुस्तक है, यह वही पुस्तक है, या दिस इज़ द बुक, यह एक पुस्तक है, यह पुस्तक है, कौन, दिस यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और इज़ द बुक यहाँ पर प्रेडिकेट हो गया। वेरी गुड गाइज। तो उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो को एक टेबल के माध्यम समझेंगे, प्रेडिकेट क्या है एक टेबल के माध्यम समझेंगे। टेबल नंबर फर्स्ट कहता है, इस तालिका में हमने केवल वर्ब को, एक ही वर्ब रखा हुआ है सेंटेंस में, जैसे सीता रीड्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं सीता रीड्स, कौन, सीता रीड्स, पढ़ती है, कौन पढ़ती है, सीता सब्जेक्ट हो गया और रीड्स पढ़ना वर्ब या उसके बाद वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं वो हमारे प्रेडिकेट पार्ट्स होते हैं। तो सीता सब्जेक्ट हो गया, रीड्स प्रेडिकेट हो गया। उसी प्रकार से ही सब्जेक्ट है, जंप्स प्रेडिकेट है, राम सब्जेक्ट है, प्लेज प्रेडिकेट है, शी सब्जेक्ट है, लॉप्स प्रेडिकेट है, ठीक है ना। तो टेबल को समझिएगा, इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन भी करते रहिएगा। टेबल नंबर टू देखते हैं, टेबल नंबर टू को हमने, इसमें प्रेडिकेट को दो हिस्सों में बांट रखा है, इसमें एक वर्ब है और इसमें एक ऑब्जेक्ट है। देखते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, पहला एग्जाम्पल है सौरभ रीड्स अ बुक, सौरभ एक पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है, सौरभ सब्जेक्ट हो गया, रीड्स पढ़ता है, अ बुक पुस्तक, तो यहाँ पर रीड्स वर्ब हो गया और अ बुक ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब और उसके बाद वाले पार्ट्स को हम लोग प्रेडिकेट में रखते हैं, तो सौरभ सब्जेक्ट हो गया, रीड्स अ बुक प्रेडिकेट हो गया। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल कह रहा है
द वॉशरमैन वॉशेज द क्लॉथेस, वॉशरमैन कपड़े धो रहा है, कौन धो रहा है, वॉशरमैन, वॉशरमैन सब्जेक्ट हो गया, वॉशेज द क्लॉथ्स प्रेडिकेट हो गया। उसी प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल देखिए, माई फादर लव्स मी, मेरे पापा मुझे पसंद करते हैं, कौन, माई फादर सब्जेक्ट हो गया, लव्स मी लव्स सब्जेक्ट वर्ब हो गया और मी ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार से लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं इस टेबल का, वी ड्रिंक टी, हम चाय पीते हैं, कौन, हम सब्जेक्ट हो गया, ड्रिंक पीते हैं, ये हमारा वर्ब हो गया और टी चाय ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से देखते हैं हम लोग टेबल के माध्यम से, आपको समझाना आसान भी रहेगा। और हम टेबल भी देखते हैं, इस टेबल में हमने प्रेडिकेट पार्ट को थ्री हिस्सों में बांट रखा है, इसमें एक वर्ब है और इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, एक पहला ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, दूसरा है जिसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनडायरेक्ट को पहले डायरेक्ट को बाद में रखेंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं, इनडायरेक्ट को बाद में रखने से पहले हमें टू या फॉर का प्रयोग करना पड़ता है, तो भी मैं बताऊँगा उसको भी, लेकिन अभी देखते हैं सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका सब्जेक्ट है आई, आई गेव सोहन अ हॉर्स, मैंने सोहन को एक हॉर्स दिया, किसने, मैंने, आई सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, सोहन ऑब्जेक्ट हो गया, अ हॉर्स ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन याद रखिएगा गाइस, जो व्यक्ति विशेष हो अर्थात व्यक्ति के व्यक्ति हो, व्यक्ति को या जीवित वस्तु को हम लोग इनडायरेक्ट में रखते हैं, और निर्जीव या किसी वस्तु को हम लोग डायरेक्ट में रखते हैं, लेकिन ये एक विषय यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हॉर्स तो निर्जीव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको इनडायरेक्ट में रख रहे हैं, सॉरी डायरेक्ट में रख रहे हैं। जब एक इंसान और एक जानवर की बात हो तो इंसान को इनडायरेक्ट और जानवर को डायरेक्ट में रखते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही टोल्ड हिज सिस्टर अ स्टोरी, उसने अपनी सिस्टर को एक स्टोरी सुनाई, किसने, ही वह या उसने, टोल्ड हिज सिस्टर अ स्टोरी, सुनाई हिज सिस्टर अपनी बहन को, देखिए सिस्टर, सिस्टर को हम लोग रखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और आज स्टोरी चूंकि निर्जीव है इसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखते हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा कि जीवित चीज़ों को हम लोग इनडायरेक्ट में रखते हैं और निर्जीव चीज़ों को हम लोग डायरेक्ट में रखते हैं, लेकिन यदि दोनों जीवित हो तो इंसान को हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रखेंगे, इंसान को हम लोग इनडायरेक्ट में रखेंगे, और जानवर या अन्य चिड़िया कौवा या पक्षी को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर थ्री देखते हैं, मीरा आस्क हिम अ क्वेश्चन, मीरा ने उनसे एक सवाल पूछा, मीरा किसने सवाल पूछा, मीरा ने सवाल पूछा था, मीरा यहाँ पर क्या हो गई, मीरा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गई, आस्क्ड वर्ब है, हिम उनसे ऑब्जेक्ट है, अ क्वेश्चन भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से मदन रोट मी अ लेटर, मदन ने मेरे लिए एक पत्र लिखा, कौन लिखा, मदन ने लिखा, तो मदन क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स मदन यहाँ पर नाउन है, यह सब्जेक्ट हो जाएगा, और रोट लिखा, लिखना, राइट, रोट रिटन वर्ब हो जाएगा, मी मुझे अ लेटर, तो यहाँ पर देखिए मी व्यक्ति है, इंसान है, तो इसलिए हम लोग इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखते हैं, और लेटर निर्जीव है, इसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखते हैं। तो यहाँ पर मदन सब्जेक्ट हो गया, रोट वर्ब हो गया, मी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो रोट मी अ लेटर ये पूरा हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया, और मदन ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो गया। आइए आगे देखते हैं, लेकिन जो मैंने भी कहा आपसे कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होगा, ठीक है ना। कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव भी हो सकता है, जैसे आई गेव सोहन अ हॉर्स, सोहन तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही है, लेकिन ए हॉर्स भी जीवित है, लेकिन हम लोग उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखेंगे, क्योंकि दोनों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं, या दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो और देखते हैं, अगर वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर का प्रयोग करते हैं, याद रहेगा ना। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, ही गेव अ फैन टू राम, ही गेव उसने दिया अ फैन एक पंखा टू राम, राम को किसने दिया, किसने दिया, ही उसने दिया, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, गेव अ फैन टू राम, ये पूरा हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसमें खोजना पड़ेगा आपको, यहाँ पर गेव क्या है, वर्ब है,
फैन क्या है, ऑब्जेक्ट है, राम क्या है, यह भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम दोनों में जानना पड़ेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो देखिए, अब फैन हमने क्या कहा था, निर्जीव चीज़ें अक्सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं, तो फैन हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। जब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो राम क्या है, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में होगा तो उसके पहले हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, टू का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है, टू का प्रयोग करना पड़ता है, टू या फॉर का प्रयोग करना पड़ता है। इसको समझिएगा ध्यान से, आगे बढ़ते हैं टेबल नंबर फोर में देखते हैं हम लोग। टेबल नंबर फोर की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें हमने इस तालिका में प्रेडिकेट के दो भाग होते हैं, एक वर्ब क्रिया है तथा दूसरा जीरंड या वर्ब में एनजी लगा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग जीरंड या जीरंड मानते हैं। अभी इसके बाद का इन्फिनेटिव भी बताऊंगा, इन्फिनेटिव में वर्ब के पहले टू का प्रयोग कर देते हैं तो बनता है, वैसे देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। ही लाइक्स ड्रिंकिंग मिल्क, ही वह लाइक्स पसंद करती है ड्रिंकिंग पीना मिल्क दूध, कौन ही सॉरी पसंद करता है, कौन ही वह दूध पीना पसंद करता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कौन पसंद करता, ही वह, बाकी जो बच रहा है लाइक्स ड्रिंकिंग मिल्क, ये पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। लेकिन आप जानना ज़रूरी है, ड्रिंक भी एक प्रकार से है, ड्रिंक भी वर्ब है और लाइक्स भी वर्ब है, लेकिन ड्रिंक में एनजी लग गया है इधर, ये वर्ब के बाद आ रहा है ना, जब दो वर्ब एक साथ हो नहीं सकती हैं, हो सकती हैं तो फिर वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। यहाँ हम लोग सिंपल सेंटेंस में जान रहे हैं, लाइक्स यहाँ पर वर्ब हो जाएगा और ड्रिंकिंग मिल्क जब वर्ब में एनजी लगा हो, एक वर्ब मेन वर्ब हो और दूसरे मेन वर्ब में एनजी लगा हो और उसका अर्थ नानी नहीं निकलता हो तो वह हमारा जीरंड होता है। तो यहाँ पर देखिए, He likes drinking milk. वह पसंद करता है drinking milk, दूध पीना, ना रहा है ना इसमें, वह दूध पीना पसंद करता है, कौन, वह सब्जेक्ट हो गया, likes drinking milk predicate हो गया। उसी प्रकार से अगला एग्जांपल देख लीजिए, अगला एग्जांपल है राधा loves making toys, राधा खिलौने बनाना पसंद करती है, कौन, राधा सब्जेक्ट हो गया और loves मेकिंग टॉयज ये प्रेडिकेट हो गया। देखिए लव भी वर्ब है, मेक भी वर्ब है, लेकिन मेकिंग आईएनजी लगा दिया गया है तो ये जीरंड का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, GERUND, जीरंड का काम कर रहा है। उसी प्रकार से राम डज नॉट लाइक बाथिंग, राम स्नान करना पसंद नहीं करता है, कौन, राम सब्जेक्ट हो जाएगा और ये डिड नॉट लाइक बाथिंग प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट में Did not like ये हमारा वर्ब है और इधर bathing ऑब्जेक्ट है और कैसा है ये ऑब्जेक्ट, जीरंडियल ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से अगला एग्जांपल देख लेते हैं, सुनील हेटेड स्मोकिंग, सुनील धूम्रपान करना नापसंद करता था या घृणा करता था, सुनील धूम्रपान से घृणा करता था, कौन, सुनील, तो सुनील क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है हेटेड स्मोकिंग, ये प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा, वीडियो को कई बार वॉच करिएगा। अगला टेबल देख लेते हैं, अगले टेबल में मैंने कहा था ना इन्फिनिटिव की बात करूँगा, इन्फिनिटिव वर्ब के पहले टू लगाने से बनता है और उसका भी हिंदी में अर्थ नानी ने ही निकलता है। जैसे देख लेते हैं, द स्टूडेंट्स लव टू रीड, विद्यार्थी पढ़ना पसंद करते हैं, पढ़ना टू रीड पढ़ना, टू प्ले क्रिकेट क्रिकेट खेलना, टू गो टू दिल्ली दिल्ली जाना, टू ड्रिंक टी चाय पीना, यहाँ पर ड्रिंक नहीं होगा, यहाँ पर टेक होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ड्रिंक नहीं होता टेक होता है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स लव टू रीड, यहाँ कौन, स्टूडेंट्स, कौन पढ़ना पसंद करते हैं, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी लव टू रीड प्रेडिकेट हो जाएगा, लव वर्ब है, टू रीड ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट है, ओके। उसी प्रकार से सचिन लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलना पसंद करता है, कौन, सचिन सब्जेक्ट हो जाएगा, लाइक्स वर्ब है, टू प्ले क्रिकेट, प्ले भी वर्ब है लेकिन इसके पहले टू लगा हुआ और उसका हिंदी में अर्थ नानी ने आ रहा है, ये जीरंड ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से शी डिसाइडेड टू प्ले, शी डिसाइडेड टू गो टू दिल्ली,
दे डिसाइडेड टू गो टू दिल्ली. वे उन्होंने दिल्ली जाने का निश्चय किया. कौन? दे सब्जेक्ट हो जाएगा. डिसाइडेड टू गो टू दिल्ली प्रेडिकेट हो जाएगा. शी वांट्स टू टेक टी, यहाँ पर टेक कर लीजिएगा. शी वांट्स टू टेक टी, वह चाय पीना पसंद करती है. कौन? शी, तो शी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. वांट्स टू टेक टी, चाय पीना, यह हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा. इसको ध्यान से समझिएगा. टेबल नंबर 6 में हम लोग बात करते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं. कुछ कॉम्प्लीमेंट जैसे देख लेते हैं. पहला एग्जांपल है ही वाज अ किंग, वह एक राजा था. अ किंग यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. और वाज वर्ब है. ही वाज अ किंग, वह एक राजा था. कौन? वह सब्जेक्ट हो जाएगा. और जो बचा हुआ पार्ट है वो पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा. यहाँ पर एक क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. उसी प्रकार से और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसमें. जैसे आई वाज अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी था. कौन? मैं सब्जेक्ट हो जाएगा. वाज अ प्लेयर प्रेडिकेट हो जाएगा. उसी प्रकार से दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं. कौन विद्यार्थी हैं? दे सब्जेक्ट हो जाएगा. आर स्टूडेंट्स प्रेडिकेट हो जाएगा. उसी प्रकार से इसको पूरा समझिए अपने से. इधर वाला पार्ट पूरा हमारा सब्जेक्ट है और ये पूरा हमारा प्रेडिकेट है, लेकिन ये वर्ब है और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट वाला भाग होता है. इसको समझिएगा ध्यान से. आगे बढ़ते हैं. आज तक के लिए वीडियो इनफ है गाइस. मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा. उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आर्टिकल्स की बात करूंगा. आर्टिकल्स आपका 3rd चैप्टर होगा हाई स्कूल का. और आर्टिकल गाइस वो चैप्टर है जो हर बोर्ड हर एग्ज़ाम में पूछता है. हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी प्रकार के आप एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, 1 से 2 नंबर तो हर हाल में आर्टिकल से क्वेश्चन पूछते हैं. तो सेकेंड वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा. तब तक के लिए थैंक यू. जय हिंद.